साबिक टेस्ट कप्तान ने पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्ज उतारने का बेड़ा उठा लिया। जावेद मियांदाद कहते हैं कि कर्ज उतारे बगैर पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा ना हो कि कर्ज के सबब पाकिस्तान से एटी प्रोग्राम पर सौदेबाजी की जाए। आज मैं पूरी दुनिया में जितने पाकिस्तानी भाई हैं, आज मैं उनसे अपनी गिराइयों से मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। और भीख मांग रहा हूं किसके लिए? अपने लिए, मैं इस पाकिस्तान के लिए। और भीख आप ना समझे मगर एक एक तरीके चेहरे की, मैं एक अकाउंट जो है वो खुलाऊंगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वो अकाउंट खुलेगा और वो इंटरनेशनल अकाउंट होगा। और मैं आपको यानी के हल्फिया ये बात करना चाह रहा हूँ कि इस अकाउंट में से मेरे नाम पे होगा, मैं किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। और ये पैसा जो मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि ये पैसा आईएमएफ का जो हमारे ऊपर लोन है इससे हमने उतारना है। अगर आज पाकिस्तानी जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने हमेशा पाकिस्तान के लिए बड़ा साथ दिया, अब मुझे बहुत कुछ ऐसे नजर आ रहा है कि अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपसे वन टाइम पैसा नहीं मांग रहा। मैं चाहता हूँ हर महीने अगर आप $1, $5, $100 जितने भी जो लोग हैं, देखिए अभी हमने डैम का भी पैसा इकट्ठा किया था, हो ही जाता आप लोग, अब हमें इकट्ठा होना पड़ेगा पूरे मुस्लिम, यानी कि हमारे वहां एक ऐसी चीज है और वो है हमारा एटम बम।